में वीडियोस है, टिकटॉक थोड़ी बनाना है। देखो ऐसा रिंग लाइट इतना क्लोजअप जाओगे तो आई थिंक ये थोड़ा सा ठीक नजर आएगा, बट इतना क्लोजअप में कौन बनाता है यार। तो 10 इंच की लाइट को एज अ यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर, फिर चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, अगर आप अपनी वीडियोस में इंप्रूवमेंट के लिए कुछ गेयर वगैरह अगर परचेस करते हो, लाइक ट्राइपॉड या रिंग लाइट, तो आप जो भी परचेस करना वो इस तरह के मत परचेस करना, बिकॉज यूट्यूब के लिए जो भी गियर्स वगैरह आप देखते हो कि चीप प्राइस के रिंग लाइट या ट्राइपॉड स्टैंड, बिलीव मी मत परचेस करना। चलो वो तो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। और रिसेंटली दोस्तों मैं देख रहा हूँ अमेजोन पे एक तरीके का कुछ स्कैम चल रहा है, बिकॉज अगर आपने देखा होगा पिछले 4-5 जो मैंने ऑर्डर करे हैं अमेजोन से, उनमें जो चीजें मैंने मंगाई हैं जस्ट उसके उलट मुझे वो प्रोडक्ट भेजे जा रहे हैं। अब ये अमेजोन की तरफ से हो रहा है या जो अमेजोन पे सेलर है उनकी तरफ से हो रहा है ये तो मुझे नहीं पता। तो सेम इशू इसके साथ भी मेरे साथ हुआ। अब मैंने जो ऑर्डर करा वो चीज तो मुझे नहीं मिली, बट उससे एकदम चीप क्वालिटी की वो प्रोडक्ट मुझे भेजा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, हालांकि मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी है फिर भी अगर आपको यहां दिख जाएगा, और मैं आपको प्रॉपर दिखा रहा हूं। देखो एक ये ट्राइपॉड है, ठीक है, 7 फीट है, लेंथ तो काफी अच्छी है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और एक रिंग लाइट, रिंग लाइट मैंने परचेस किया था 12 इंच का, और ये देखो आया है 10 इंच का। ना तो इस पे कोई ब्रांडिंग है ना ही कुछ है, और लाइट की कंडीशन वगैरह क्या है वो सब मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल चलो आपको रिंग लाइट दिखाते हैं। ये देखो ये रिंग लाइट है, और इस रिंग लाइट की खराबी ये है कि ये तो जो इसका ये जो भी है स्टैंड कह लो या इसका जो ये कसने वाला हिस्सा है वो इतना बेकार है कि पूछो मत। और ये मोबाइल होल्डर, मोबाइल इसमें लगाने के बाद अगर स्टैंड पर लगा देते हैं तो स्टैंड के साथ ही ये गिर जाता है। और लाइट की क्वालिटी एकदम मतलब लोएस्ट जो हो सकता है वो है। चलो ये देखा, अभी मैं इसको जलाकर भी दिखाऊंगा। अब आते हैं इस ट्राइपॉड के ऊपर। ट्राइपॉड की जो लेंथ है वो तो एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और इस ट्राइपॉड का जो वेट है अराउंड 500 ग्राम से भी कम है, बहुत ज्यादा। और ये जो बिल्ड क्वालिटी देख रहे हैं ना, ये इतनी हल्का अल्मोनियम का बना हुआ है, और इसका जो एजेस है इतने ज्यादा शार्प है कि बार बार हाथ में चोट लग जा रही है। ये देखो ये जो बिल्ड क्वालिटी है, देखने में तो आपको ये कहीं से भी इसमें कोई कमी नजर नहीं आएगी, बट जैसे ही आप इसका यूज करोगे ये आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो इतना हल्का है, ये टूटने का डर है, ये ज्यादा चलेगा नहीं। तो ये ट्राइपॉड है, इसकी जो लेंथ है देखो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं इसकी क्वालिटी। ये देखो ये बाहर भी आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। ये देखो ये बाहर आ गया। अब इसका ये जो अल्मोनियम है इसको हल्का सा दबाने पे ये मुड़ जा रहा है प्रॉपर। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं तो आप देखना, तो यहां पर देख सकते हो कि इसका जो मतलब गेज है इतना ज्यादा पतला है कि ये देखो कितना आसानी से ये मुड़ जा रहा है। तो ये ज्यादा दिन चलने वाला चीज नहीं है। चलो अब लेंथ की बात करिए तो लेंथ भी आपको दिखाई देते हैं। चलो इसको यहां सेट करते हैं। अब प्रॉपर अगर देखा जाएगा तो लगभग 7 फीट से ज्यादा भी जा सकता है। तो ये लेग्स हैं, इसको प्रॉपर कर सकते हैं। देखो ये कसने में ही चोट लग गई हल्का सा, ठीक है। बहुत शार्प एजेस हैं, और ये और इसको इसमें डाल दिया, इसको टाइट कर देते हैं। अभी आप देख सकते हो लगभग 5'4" की मेरी हाइट है, तो अभी मेरी हाइट से इतना ये गया है, तो ये अभी और जा सकता है नीचे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये इस तरीके से तो यहाँ पर देख सकते हो इसको और नीचे ले जाया जा सकता है, तो वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये तो ये अगर आप इस तरीके से कर दोगे ना तो अराउंड ये 7 फीट के करीब करीब चला जाएगा। चलो ये तो हो गया, तो परफेक्ट है, 7 फीट ये चला गया है।
तो वीडियो में आ नहीं रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो ये जूम आउट कर दिया तो अराउंड ये 7 फीट करीब करीब ये हो गया, ये मेरी हाइट से ठीक है, ऑलमोस्ट 7 फीट हो गया। बट ये इतना ज्यादा हल्का है कि मैं आपको क्या बताऊं। और अब आपको ये रिंग लाइट दिखाते हैं, चलो इसको जला कर भी दिखाते हैं। तो ये पावर बैंक से चल जाएगा, ये अच्छी चीज है। तो यहाँ पर इसको इंसर्ट करेंगे और यहाँ इसको ऑन कर देंगे। तो ये हमने ऑन कर दिया तो यहाँ पर एक ब्लू कलर की लाइट जल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अगर आप स्विच देखो, स्विच है यहीं, इसको ऑन करा तो ये देख सकते हो फेस पे लाइटिंग वगैरह कैसी आ रही है। तो ये मैंने ऑन कर दिया ठीक है। उसके बाद अभी मैं स्टैंड पे भी लगा के आपको दिखाऊंगा। तो ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर 3 कलर टोन है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखो ये चेंज हो रहा, तो ये डार्क है, ये वाइट है और ये येलो। तो ये कुछ कलर टोन है। अब इसका जो ये है ना ट्राइपॉड पे लगाना भी इसका थोड़ा सा ट्रिकी है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये जो भी है इसको निकाल दिया ठीक है। अब मैं आपको इसको यहाँ लगा कर दिखा रहा हूँ, तो ये देख सकते हो ठीक है। इसको यहाँ लगाने के लिए नीचे ये होल दिया हुआ है तो यहाँ से इसको टाइट कर देंगे। अब ये देखो, अब ये टाइट करने वाला हिस्सा इसको मैं घुमाता जा रहा हूँ, ये देखो ठीक है, ये टाइट नहीं हुआ। जब तक कि इसको नीचे से एकदम दबा के नहीं करोगे ये टाइट भी नहीं होगा। चलो ये लग गया। अब इसके ऊपर इसको लगाने के लिए बहुत सिंपल है कि यहाँ से इसको आपको इसको टाइट कर देना है। तो ये हो जाता है समटाइम, बस ऐसे ही इसको ये टाइट कर देना है। तो ये टाइट हो गया। और यहाँ ये जो टाइट करने वाला स्क्रू है ना ये अच्छा नहीं है, ये देखो ये एकदम प्रॉपर टाइट करने के बावजूद भी ये जो स्क्रू है ना इसको टाइट करते रहो, ये टाइट नहीं हो रहा है, प्रॉपर एकदम हो ही नहीं रहा है। और ये देखो ये चलो 360 है, ये तो ठीक है कि ये 360 काम कर रहा है, बट मोबाइल जैसे ही लगा रहा हूँ ना थोड़ा ये गिर जा रहा है टाइट करने के बावजूद भी। चलो आपको वो भी दिखाई देते हैं, मोबाइल है गिर जाएगा तो नुकसान हो जाएगा ठीक है। ये देखो ये टाइट है फुल, उसके बावजूद भी ये टिक नहीं रहा ठीक है, मतलब एकदम ये नुकसान वाली चीज है। और स्टैंड पे रखने के बाद ये देखो स्टैंड बैलेंस ही नहीं कर पा रहा, तो ये प्रॉब्लम है। अब चलो अब आपको लाइट जला के दिखा देते हैं। तो ये कुछ ऐसा है। अब ये परचेस करा गया था तो ऐसा बैकग्राउंड में लाइट वगैरह या कोई छोटे प्रोडक्ट हो जिनकी अनबॉक्सिंग वगैरह करनी हो तो प्रॉपर लाइट दी जा सके, बिकॉज ये जो लाइट है ना सॉफ्ट बॉक्स ये वाले वर्क नहीं कर रहे हैं। और जैसा कि देखो बीच में बंद हो गया ठीक है, ये देखो चालू है ये बीच बीच में बंद हो जा रहा है। चलो अब एक चीज और दिखा दें, ये कितनी लो हो सकती है। तो ये अभी फुल हाई है तो ये एकदम लो, तो ये एकदम लो है। उसके बाद अब इसको फुल करते हैं तो ये एकदम फुल ब्राइटनेस है। तो ये कुछ ऐसी रिंग लाइट है और जिसको मैं इसीलिए कह रहा था कि इसको अवॉइड करना परचेस करने से पहले, सस्ते वाले अवॉइड करना, बाकी महंगे वाले परचेस कर सकते हो, बट ये चीप प्राइस वाले ना आई थिंक वर्थेबल नहीं है किसी भी सूरत में। और अभी आपको ये स्टूडियो की लाइट वगैरह जल रही है, अब मैं स्टूडियो को लाइट को बंद करता हूँ, उसके बाद मैं इससे दिखाता हूँ कैसा ये फोकस वगैरह कर पा रहा है या कितनी लाइटिंग है इसमें। और ये मोबाइल होल्डर है, यह तो एकदम महा घटिया से भी घटिया, अब क्या ही इसकी तारीफ करी जाए, छोड़ो। तो ये देख सकते हो ना बहुत ही ज्यादा, अगर क्लोजअप से कुछ बनाना हो तो चलो समझ में आएगा। तो इतना क्लोजअप कौन यार यूट्यूब में वीडियोस, टिकटॉक थोड़ी बनाना है। देखो ऐसा रिंग लाइट इतना क्लोजअप जाओगे तो आई थिंक ये थोड़ा सा ठीक नजर आएगा, बट इतना क्लोजअप में कौन बनाता है यार। तो 10 इंच की लाइट को परचेस करने से बचना ऑलमोस्ट मेरा यही कहना है। तो देखो ये इतना करीब करते हैं, चलो स्टूडियो की एक लाइट ये बंद कर दी मैंने ठीक है सॉफ्ट बॉक्स। तो देखो इतना क्लोजअप कौन जाके यार वीडियो बनाएगा बताओ, इतनी दूर करने पे ये लाइट है, है? ये एकदम बेकार है भाई साहब,
एकदम पैसा बर्बाद है समझ लो। आई होप कि जो मैं इस वीडियो से आपको समझाना चाह रहा हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या फिर यूट्यूब के लिए या कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर वीडियोस के लिए अपने इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ गियर वगैरह परचेस करना चाहते हो तो आपको ये चीप प्राइस वाले जो है ना प्रोडक्ट परचेस करने से अवॉइड करना चाहिए। वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद आई हो तो लाइक करना।